हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम जा रहे हैं गांधी नेशनल पार्क, जो बोरीवली ईस्ट में लोकेटेड है और हमारे घर से आधे घंटे के दूरी पे है। तो हमने डिसाइड किया है कि आज गांधी नेशनल पार्क के स्कूटर से ही चलते हैं। तो अब चलते हैं गांधी नेशनल पार्क की ओर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। गाड़ी लगाना किधर अलाउड है, नहीं अलाउड है, आई डोंट नो यार। ओके, तो गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं हम लोग। तो ये जैसे ही पार्क के अंदर आओगे, लेफ्ट साइड में आपको पार्किंग मिल जाएगा। तो यहाँ स्कूटर को पार्किंग लगा देते हैं, फिर चलते हैं आगे की आगे देखते हैं। तो गाइज, इस बोर्ड पे पार्किंग चार्ज लिखा गया हुआ है। टू व्हीलर का पार्किंग चार्ज 55 रुपीज़ है एंड थ्री फोर व्हीलर का पार्किंग चार्ज 220 रुपीज़ है एंड हैवी व्हीकल का पार्किंग चार्ज 300 रखा गया है। और यहां से आपका एंट्री होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा गांधी नेशनल पार्क का मेन गेट। और ये रहा आपका टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट निकाल सकते हो। पर पर्सन 74 रुपीज़ टिकट प्राइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उमेश साहब ब्लॉग। तो आज हम लोग आ गए हैं गांधी नेशनल पार्क बोरीवली ईस्ट में, जो लोकेटेड है। तो ये नेशनल पार्क 104 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो आज हम इस नेशनल पार्क को अच्छे से घूमने वाले हैं और हमें क्या देखने को मिलता है वो हम आप लोगों को भी दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ स्टैचू है और इधर एक गुफा भी है, वो भी आज घूमने वाले हैं, लेकिन वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा गुफा। और जो कुछ भी हमें देखने को मिलेगा हम आप लोग को भी दिखाएंगे। इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहे। और जैसे ही पार्क के अंदर आप आओगे, राइट साइड में आपको दिख जाएगा बाईसाइकिल स्टैंड, यहाँ पे आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो। और ये रहा टिकट काउंटर, 2 आवर चार्ज है 80 रुपीज़ पर पर्सन 2 घंटे के लिए। यहाँ से आप लोग लेकर जा सकते हो रेंट पे। गाइज, आप लोगों को अगर कानेरी कैब्स अगर जाना होगा तो ये बस इसके अंदर अवेलेबल है। इसका चार्ज 10 रुपीज़ है, लेकिन ये गाड़ी जब तक फुल नहीं होगी, जब तक खुलेगा नहीं यहाँ से, तो 7 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से कानेरी। इस पार्क के अंदर छोटे से स्पेस में 2-4 झूला लगा रखा गया है बच्चे लोगों को झूलने के लिए, और बच्चे लोग का एंजॉयमेंट आप देख रहे होंगे। स्पेशली बच्चों लोगों के लिए ये बनाया गया। मैंने इन बच्चों लोगों से बोट ले के लिए रास्ता पूछा कि बोट ले का रास्ता किस तरफ आएगा। इस पार्क के अंदर कोई भी कैंटीन अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को अगर भूख प्यास लग रहा होगा तो हर जगह पार्क के अंदर ऐसा स्टॉल दिया गया हुआ है, यहाँ से आप नींबू पानी या और नाश्ते में खीरा काकरी खा सकते हो आप। तो ये बोट पे दिख रहा है राइट साइड में बोट राइड का ऑप्शन है, तो हम लोग निकलते हैं बोट राइड के लिए। थोड़ा सा देख लेते हैं बोट राइडिंग किस टाइप का है। यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा बोट के लिए टिकट। तो टिकट का प्राइस है 2 सीटर 77 एंड 4 सीटर 157। तो यहाँ से भी हम लोग टिकट निकालते हैं और चलते हैं, थोड़ा बोट का एंजॉयमेंट करते हैं। 2 सीटर। तो हम लोगों ने टिकट निकाल लिया है 2 सीटर, अब चलते हैं बोट राइड के लिए। तो गाइज, ये पैडल बोट राइड बहुत ही फन एक्सपीरियंस होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं बोट राइड का मज़ा लेते हैं, किस टाइप का आनंद मिलता है हम लोगों को। देख सकते हो इस तालाब के अंदर आपको बहुत सारे बोट मिल जाएंगे। ये डक डिज़ाइन बोट है 4 सीटर, और हम लोग जिस पे अभी फ़िलहाल बैठा हुआ है वो 2 सीटर बोट है। दिखा दो, ये एक्चुअली
टू सीटर बोर्ड है और खुद से ड्राइव करना होता है कुछ इस प्रकार से। और इधर हैंडल दिया गया है राइट लेफ्ट के लिए, तो आप लोग देख सकते हो। लेकिन बहुत ही अच्छा है, टिकट का भी प्राइस ठीक ही है दो आदमी के लिए। 15 मिनट का राइडिंग है, 15 मिनट में राइड करते हैं वापस चलते हैं हम लोग। आप खुद से इसको ड्राइव कर सकते हैं लेफ्ट राइट, और जितना ही स्पीड इसको भागा उतना स्पीड जा भी रहा है। और बहुत ही प्यारा नजारा बैक साइड का देख सकते हो आप लोग। टू सीटर नहीं, एट सीटर अभी हम लोग बना चुके हैं बोट, दोनों बोट एक साथ चल रहा है। अभी बोट सफारी निकलने के बाद आपको एक राइट साइड में ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये लेके जाएगा कृष्णागिरी। टॉय ट्रेन से आप लोग जा सकते हो कृष्णागिरी, और उसी लाइन में आपको राइट साइड में हिरन और एक दो एनिमल आप लोग को देखने को मिल जाता है, ये रास्ता जाता है। और ये जो देख रहे हो लेफ्ट साइड में ब्रिज होते हुए जाएगा लायन सफारी, वहाँ पे दो चार फूड का स्टॉल भी है, और उसके लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, वहाँ से आप लोग टिकट लेके जा सकते हो लायन सफारी। बच्चे लोग लायन के स्टैचू के साथ फुल मस्ती करते हुए और साथ साथ मेरे ब्लॉग में आने के लिए फुल एक्साइटेड है। और भी एक बच्ची भागती हुई आ रही है इस ब्लॉग में अपना फुटेज देने के लिए। और गाइज ये जो आप लोग पार्क के अंदर ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज इस पार्क का बहुत ही खूबसूरती बढ़ाता है। और यहाँ बैठ के आप बोट राइड का मज़ा देख सकते हो आप लोग। मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ, इस ब्रिज से यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा बोट राइड। अभी तो फिलहाल कोई यहाँ पे बोट राइडिंग हो नहीं रही है, ये अभी मॉर्निंग में जिस टाइम पे हम लोग आया था बोट राइड हो रहा था, तो यहाँ से आप लोग उसका खूबसूरती देख सकते हो। और ये ब्रिज पे यहाँ पे बैठ के एकदम चिल हवा का आप लोग इंजॉयमेंट कर सकते हो। एक बस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो आ रही है सफारी लाइन्स होते हुए, और एक बस यहाँ पे अभी सफारी लाइन्स के लिए जाने के लिए तैयार हो रही है, जिसका टिकट प्राइस 103 रुपये है। और टिकट काउंटर राइट साइड में मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये यहाँ से आप लोग टिकट निकाल सकते हो पर पर्सन 130 रुपया। और उसके बाजू में एक स्टॉल दिया गया है बैठने के लिए, यहाँ पे आप लोग बैठ के आराम कर सकते हो, हवा ले सकते हो। और उसके थोड़े बाजू में आप लोग देखेंगे बच्चे लोग अपना बैट बॉल खेल रहे हैं, मतलब खेलना इसमें अलाउड है, फुल फन फुल एंजॉय, कोई टेंशन नहीं। वॉलीबॉल का नेट दिख रहा है लेकिन यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं बैट बॉल, दिखाते हैं आप लोग का इन लोग का सीन। गाइज ये जो रेलवे ट्रैक देख रहे हो आप लोग, ये आपको लेके जाएगा कृष्णागिरी। फिलहाल ये टॉय ट्रेन अभी बंद किया गया हुआ है, जिसका रीजन हमें भी नहीं मालूम है। कुछ देर रेलवे ट्रैक पे चलने के बाद यहाँ पे राइट साइड में दिखा मुझे दो तीन डंकी, ये आप लोग देख रहे हो डंकी को। अब चलते हैं आगे, कौन सा एनिमल हम लोग को देखने को मिलता है आप लोगों को भी दिखाते हैं। देख रहे हो छोटा सा बच्चा फुल एक्साइटेड है हिरन को देखने के लिए, लेकिन हिरन यहाँ पे है नहीं अभी। गर्मी यार बहुत हो रहा है, तो अभी आइसक्रीम वाले के अंकल मिल गए तो हम लोग आइसक्रीम ले लिए। एक्चुअली 5-10 रुपए का ये आइसक्रीम है, लेकिन इस पार्क के अंदर हर एक चीज़ महंगा बिक रहा है, तो ये आइसक्रीम का रेट अभी 30 रुपए का है। थोड़ा खा के चिल हो जाते हैं, फिर आगे चलते हैं कुछ देखते हैं। आप जैसे ही गार्डन के अंडर एंट्री करते हो, कुछ दूर चलने के बाद, लगभग एक मिनट चलने के बाद, आपको राइट साइड में दिखेगा ये गांधी स्मारक का रास्ता। ये रूट आपको सीधा गांधी स्मारक की ओर लेकर जाएगा, आसानी से जा सकते हो इस रूट से। और ये लेफ्ट में जो देख रहे हो ये रूट आपको लेके जाएगा कृष्णागिरी। अभी फ़िलहाल यहाँ जाने के लिए टॉय ट्रेन जो अवेलेबल था अभी फ़िलहाल वो पूर्ण रूप से बंद है, तो अभी आप वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट का रास्ता है।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं गांधी स्मारक देखने इसी रूट से, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं गांधी स्मारक। तो फिलहाल पहुंचते हैं, कितना टाइम जाएगा आई डोंट नो, एक मिनट का रास्ता है या दो मिनट का, कुछ आइडिया नहीं, बस इसी सीढ़ी से ऊपर चलते जाओ, मिल ही जाएगा। ये देख सकते हो आप लोग हिरण, ऐसा ऐसा धीरे से आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हो आप लोग हिरण, ये देख सकते हो आप लोग बारहसिंघा आ रहा है इस तरफ, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ऐसा ऐसा सीन बहुत ही मुश्किल से कैप्चर हो पाता है। इस सीन के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो आप लोग हिरण एकदम खुले में आपको इधर देखने को मिल जाएगा सलमान खान का नेशनल पार्क में। ये देख सकते हो आप लोग एकदम खुले में घूम रहा है बिंदास। ये देख सकते हो गाइज हिरण कितना है यहाँ नेशनल पार्क में, एक दो नहीं, मेरे को तो लग रहा है यहाँ बहुत सारा हिरण है यार। ये दिख रहा होगा आपको हिरण, वो साइड दो है, और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये भी हम लोग वीडियो निकाल रहा है, ये देख के ये लोग भाग रहा है इधर से उधर। ये देख सकते हो हिरण यहाँ पे कितने सारे झुंड में जा रहे हैं यार, बहुत सारे हिरण इधर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी आप लोग को दिख रहा होगा हिरण एक इधर है। गांधी स्मारक के लिए जो रूट होते हुआ है ये स्टेयर केस यहाँ आपको हो जाता है ख़त्म, और स्टेयर केस जैसे ही एंड होता है आपको यहाँ से लेफ्ट मारना है गांधी स्मारक के लिए। तो अब हम लोग लेफ्ट की तरफ निकलते हैं। तो गांधी स्मारक के लिए जो रूट से हम लोग आ रहे थे, वहाँ पर हम लोग ने बहुत सारा हिरण को देखा, जैसा कि आप लोग ने इस ब्लॉग में देखा होगा बहुत से हिरण देखने को मिल गया। अभी आवाज़ इस टाइप का इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत स्टेयर केस है, 10-20 मिनट लग गया ऊपर आते आते, इसके लिए थोड़ा सा हाफ रहा हूँ, और हिरण के फुटेज के चक्कर में इधर उधर भागने में थोड़ा सा हरासमेंट हो गया है। तो लेके चलते हैं गांधी स्मारक की तरफ।